अस्सलाम वालेकुम। वेदर इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हालिया ताकतवर सिस्टम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर कल दाखिल हो चुका है। कल ज़ोर से अब तक बलूचिस्तान के बेशतर इलाके बारिश की लपेट में हैं। रात के वक्त बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में, जिसमें तुर्बत है, इसी तरह उससे मलिका जो इलाके, इन इलाकों में हैवी रेनफॉल हुई। क्वेटा में अच्छी बारिश हुई, क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आलाबारी हुई। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम बलोचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में मौजूद है, जिसमें दादो, सेवन शरीफ के इलाके हैं। और आज सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें मीरपुर खास, नवाबशाह, शादात कोट है, इससे मलिका जनूबी पंजाब के इलाके, जिसमें रहीम यार खान, इसी तरह खानपुर, किला द्रावड़, बहावलपुर, इसी तरह फोटा अब्बास, बहावल नगर के इलाके, इन इलाकों में आज वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। जबकि अगले 24 घंटों के दौरान भी जनूबी पंजाब के मुसरब इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में इस वक्त अच्छी बारिश का सिलसिला जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों से बारिश की इत्तला वसूल हुई। जनूबी इलाकों में हैवी रेनफॉल हुई, जबकि पंजाब के कुछ वस्ती इलाकों में भी रात के वक्त हल्की बारिश की इत्तला वसूल हुई। आज दिन के वक्त भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल होंगे, जबकि पंजाब के वस्ती इलाकों में बारिश की जो शिद्दत है वो हल्की ही रहेगी। अलबत्ता कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश भी हो सकती है। आलिया सिस्टम 24 घंटों के बाद मुल्क से निकल जाएगा। इसके बाद मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में खुश्क मौसम का दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा और धूप की शिद्दत भी काफ़ी तेज़ होगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।